वेलकम व्यूअर्स। और बात करना चाहूँगा मैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, जिसमें कह सकते हो लगातार न्यूज़ वगैरह आ रही हैं और बहुत कुछ बोला जा रहा है इसके बारे में कि क्या ये कंपनी दिवालिया हो जाएगी अप्रैल तक, क्या ये मल्टीबैगर होगी। तो दोस्तों सारा विश्लेषण आपको इस चैनल पर मिलेगा और बहुत कम समय लूँगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आउटपुट आप इससे एजुकेशनली सीख पाओगे। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। सबसे पहले लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें दोस्तों, 8.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है और लगभग 9% से ऊपर की गिरावट के साथ। जो गिरावट का रीज़न है दोस्तों सबको पता ही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वगैरह आया है, सो उसकी वजह से गिरावट हुई है और बहुत भारी गिरावट कह सकते हो। 114 करोड़ की से ऊपर के शेयर जो है दोस्तों ट्रेडिंग हुई है और जिसमें कि 30% की इस पर्टिकुलर रेट पे डिलीवरी भी उठाई गई है। तो 30% बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। अगर हम बात करें 34 करोड़ 35 करोड़ की शेयर की डिलीवरी उठी है और जैसा कि गिरावट हुई है, तो सिंपल सी बात है जो याचिका थी इनकी AGR बकाया की टेलीकॉम कंपनियों की, उसको खारिज कर दिया गया है। और इससे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि जो इनकी फ़ंड जुटाने का प्लान है वो भी प्रभावित हो सकता है। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के अंदर, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है या जिसने भी इसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, उनको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो कर्जा है वो 1.8 लाख करोड़ का कर्जा है दोस्तों। और जो कैश बैलेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 350 करोड़ रुपये है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैच है, ये ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इनको अप्रैल तक, जो कमिंग अप्रैल है, इनको लगभग 24,000 करोड़ रुपये की पेमेंट करनी है। और जो ये न्यूज़ वगैरह आ रही है कि मीन्स सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, मेनली ये है कि दोस्तों अगर फ़ंड रेजिंग नहीं होती है तो कंपनी दिवालिया भी की ओर भी जा सकती है, ये भी न्यूज़ पे आने लग गया है अब, ठीक है। सो अप्रैल में बड़ी हैवी पेमेंट करनी है तो फ़ंड इनको एनी हाउ चाहिए, क्योंकि इनके पास कुछ ज़्यादा मैक्सिमम विकल्प बचे नहीं है दोस्तों। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैकेज वगैरह की घोषणा हो जाए दैट इज़ अदर थिंग, बट वो भी कम ही चांस हैं, क्योंकि जो AGR की कैलकुलेशन का मामला है उसके ऊपर जो इनकी जो अप्लीकेशन कह लो वो खारिज हुई है। तो उसको देखते हुए कहीं जो इन्वेस्टर वगैरह से इनकी बातचीत चल रही थी वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ये पिछले लगभग 10 महीने से बोल रहे हैं हम 25,000 करोड़ जुटाने वाले हैं। ऑक हिल से भी बात हुई और कंसोर्टियम से बात हुई, KKR, अपोलो ग्लोबल, मतलब बहुत जगह इनकी ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। और जो इनका टोटल AGR का मामला है दोस्तों 58,000 करोड़ रुपये समथिंग है, जिसमें कि ये 7,854 करोड़ दे चुके हैं और जो बाकी बचता है लगभग 50,000 करोड़ वो इनको 2031 तक देने हैं 10 साल के अंदर। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 5,000 करोड़ हर साल देने हैं इनको, ठीक है। सो बहुत हैवी अमाउंट होता है 5,000 करोड़ हर साल पेमेंट करना। और जो न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही है उनके अकॉर्डिंग ये है कि सेंटर भी कह रहा है कि भैया बहुत कम चांस हैं कि ये कंपनी जो ड्यू है उसकी पेमेंट कर पाए। जो डॉट के अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि भैया सर्वाइवल ही बहुत रिस्की हो गया है वोडाफोन आइडिया का। सो दोस्तों ये सब तो हो गया नेगेटिव, अब प्लस पॉइंट क्या है वो भी पता होना चाहिए हमें। तो पहला प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट ने जो FDI की इन्वेस्टमेंट के लिए इसके बात की थी वो अलाउ कर दिया था इसको कि भैया आप करवा सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर जो बड़ा स्टेक है मान के चलिए आप वोडाफोन ग्रुप का भी है VI के अंदर, सो FDI ये ला सकते हैं उसके अंदर जिसका अप्रूवल इनके पास है, तो ये पॉजिटिव है। और जो वोडाफोन ग्रुप है कह सकते हो दोस्तों, वहाँ पर तो मेरे हिसाब से मुनाफा जारी है, पूछो क्यों, क्योंकि वो बायबैक की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर से जो भी कंपनी अपने शेयर को बायबैक करती है तो उसको पता होता है कि मेरे शेयर की कीमत बढ़ने वाली है या इन फ्यूचर बढ़ जाएगी, तो ये सब भी है। तो मीन्स जो इनका प्रमोटर वाले बात कहो या यूँ कहो कि जो इनका शेयर होल्डिंग में है वो कंपनियां स्ट्रॉन्ग है और इनके बाद FDI वाला अप्रूवल भी है,
तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि भैया जो इनके पास जुड़े हुए बंदे हैं वो स्ट्रांग भी हैं और इनके पास FDI का अप्रूवल भी है, ठीक है। और मैं वॉरेन बफे सर के कुछ टिप्स कह लो या कुछ बड़े बड़े श्लोक हैं वो आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। सो उससे थोड़ा सा आपको मीन शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी, ठीक है। पहला पॉइंट है दोस्तों, जब सब लालची हो जाएं तो डरो, मीन्स जो स्टॉक सबको चाहिए तब आपको डरना चाहिए, जब सब डरें तो लालची हो जाओ। आज की डेट में वोडाफोन के साथ क्या हो रहा है ये आप लोग कमेंट करके बताओ, सब डरे हुए हैं तो ये सोचने वाला पॉइंट है। मैं कुछ नहीं कह रहा बाय करो सेल करो, जो बड़े एक्सपर्ट का मानना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। वो चाहे सॉक्स हो चाहे स्टॉक्स हो, वो दोस्तों क्वालिटी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जब उनके दाम कम होते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मौका जो होता है वो अचानक ही आता है, जब सोने की बारिश होती है तो अपनी बाल्टी तैयार रखनी चाहिए। तो मीन्स यूँ समझ लो कि एक बार वोडाफोन आइडिया का शेयर 2.5-3 रुपये गया था, उसके बाद ये 11-12 रुपये भी गया, ठीक है। तो जिसने 2-3 रुपये में लेके अपनी बाल्टी भर ली होगी तो वो आज वोडाफोन आइडिया से बहुत खुश होगा और उसने अच्छा खासा रिटर्न भी दे चुका है, ठीक है। क्या अब ये दोबारा मौका देगा या नहीं वो देखते हैं। चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, शेयर मार्केट इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो एक्टिव लोग होते हैं उनसे पैसा निकलता है और जो सब रखने वाले हैं जिनके अंदर पेशेंस होते हैं उनके पास पैसा जाता है। तो आपको समझना है दोस्तों इन सब चीज़ों को। पांचवा और आखिरी पॉइंट दोस्तों, अगर आप निवेश नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट मेरे को बताने का कुछ डिफरेंट ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये आपको रिलेट करना है अपने पोर्टफोलियो से। और ये वोडाफोन का वीडियो है तो वोडाफोन से, क्या अभी सब डरे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो एक्सपर्ट बोलते हैं मेरे हिसाब से उनके साथ जाना चाहिए जो मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं दोस्तों वही मार्केट रन करते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है बस जो अगेंस्ट चले जाता है उनके अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने लग जाता है, जाहिर सी बात है उसको लॉस होता है, जो उनका फॉलो करता है तो उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, ठीक है। सो ये 3 रुपये से 13 रुपये की रेंज में दोस्तों आपको 1-1.5 साल से चल रहा है स्टॉक, और जैसी निगेटिव न्यूज़ है सो अभी मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, और जो 7.5 या 7.60 रुपये का लेवल है इसका वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए, मतलब हैवी बाइंग जोन है, वहाँ पर बाइंग आती है, सप्लाई अच्छी खासी है वहाँ पर। सो आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि वोडाफोन आइडिया सिंपल सी बात है, हमारे देश में टेलीकॉम कंपनियाँ गिनी चुनी हैं, पॉइंट समझना, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट को भी कंपटीशन बरकरार रखना मार्केट में तो कम से कम 4-5 प्लेयर तो होने चाहिए, ठीक है। 1-2 के भरोसे तो पूरा इंडिया नहीं चल सकता ना दोस्तों, ये सोचना चाहिए। तो कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से डूबते को तिनके का सहारा मिलेगा, चाहे वो कब मिलता है क्या मिलता है वो देखने वाली बात है, बट अभी के हालात में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया जो न्यूज़ आ रही है वो सब डराने वाली हैं। सो पैनी शेयर के अंदर छोटा मोटा पैसा लगा के रखना चाहिए, जो लॉस भी हो जाए तो कोई समस्या ना हो, क्योंकि छोटे से स्टॉक होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए अब ये आपके सामने वीकली डेटा है, इसके सामने देखिए हम, ज़रा सी नेगेटिव न्यूज़ आई तो रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम जनरेट हो गए, मीन सब बेचने लग गए भेड़ चाल। तो मेरा जो पर्सनल थॉट है दोस्तों इसके अंदर, मेरी सोच तो यह है कि ये 13 क्या है तो 20 भी पार करेगा दोस्तों, लेकिन अगर चले ही जाते हैं दिवालिया करने पे मजबूर हो जाती है तब दैट इज़ अदर थिंग, उसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, चाहे लेट निकले, क्योंकि अप्रैल अभी दूर है दोस्तों, ठीक है। सो ये मेरा मानना है इसके अंदर, बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट पे बताइए ज़रूर। ओवरऑल कहानी मैंने आपको बता दी है, सो अगर कहानी या कुछ क्लियरिटी मिली हो तो वीडियो को लाइक करने में दोस्तों हिचकिचाना मत, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।